दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले आर्म्स तस्कर को गीता कॉलोनी इलाके से गिरफ्तार किया है। इसके पास से 10 अवैध हथियार बरामद हुआ है। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आरिफ के तौर पर हुई है। वो यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। बुधवार दोपहर 3 बजे गुप्त सूचना के आधार पर उसे गीता कॉलोनी इलाके से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो हथियारों की डिलीवरी देने के लिए पहुंचा था। उसकी तलाशी में उसके पास बैग में रखे 10 पिस्टल बरामद हुआ है।